तो ये लो जी, आप सबका एक नए व्लॉग में शुरुआत है। और रात को बरसात आई थी तो उससे पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए छत पे, तो मैंने सोचा कि बाहर की झाड़ू रेनो लगा रही थी और मैंने सोचा छत की अपन लगा देते हैं, तो मैं लगा रहा हूँ। और मुझे पता ये भी कमेंट आएंगे कि क्योंकि रेनो खड़ी होकर के लगाती है और मैं एकदम झुक करके लगा रहा हूँ कि शर्मा जी रेनो से तो शर्मा जी ही अच्छी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन ये झाड़ू छोटी थी इसलिए मेरे को यही मिली, मैं उठा करके लगाने लग गया इसलिए ज़्यादा झुक रहा हूँ। और हाँ, अभी ये प्रोग्राम सुबह सुबह ही मैं तो बिना नहाए गया था क्योंकि बहुत जल्दी गए थे हम मंदिर में और गुरुजी आए हुए थे। गुरुजी बोले चल एक बार गुरुजी के धोख दर्शन करके आएंगे और धोख देके आएंगे, तो अभी मंदिर में आ गए थे। ये हमारे सूरजगढ़ मोड़ पे जो मंदिर है वहाँ पे भागवत जी के पाठ चल रहे हैं, तो वहीं पर गुरुजी आए हुए थे और हमने भी दर्शन किए हैं। और ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हो जो आसपास के हैं वो आ भी सकते हैं मंदिर में, 3 तारीख का भंडारा भी है। हेलो जी, सबको सायंकालीन नमस्कार। और आज अभी शाम के टाइम में मैं आया हूँ। सुबह सुबह तो क्या था वहाँ पे गुरुजी और हम गए थे सूरजगढ़ मोड़ पे, वहाँ पे भागवत जी के पाठ चल रहे हैं, वहाँ पे गुरुजी को उसको आपको दिखाया था। और उसके बाद में अभी जस्ट मैं आया हूँ यहाँ पे परशुराम भवन में। परशुराम भवन में किस लिए आया हूँ, अकेला ही हूँ मैं वैसे तो, लेकिन परिवार भी है, एक नया परिवार है जिससे हम जुड़े हैं और उस परिवार के साथ में यहाँ कुछ करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, क्या कुछ होने वाला है अच्छा खासा वो आपको दिखाते हैं अभी। जी हम सर के साथ में, मतलब मैं नहीं जा पाया, किस लिए नहीं जा पाया कि मैं चला गया था वहाँ पे। आप बनाने वालों में खड़े थे इसलिए आप फोटो में नजर नहीं आ रहे हो। नहीं मैं मतलब वहाँ पे जो अपना मतलब मेरे परिवार जो मैंने बताया था वो ये परिवार हमारा इंद्रधनुष का, और हमारे इंद्रधनुष के परिवार की तरफ से और भी, हाँ मतलब ये काफी लोग आए थे लेकिन उस टाइम मैं नहीं पहुंच पाया। किस लिए नहीं पहुंच पाया, मैं दूसरी साइड था। निपल आप तो, उसी घर के सामने खड़े हैं। हाँ, मैं वही खड़ा था लेकिन मतलब ये था कि बात का प्रोग्राम हुआ ये हमारी तरफ से, मतलब छोटा मोटा करके, और किसी जरूरतमंद की शादी थी तो उन्हीं को बहन बना करके सर ने, और इसी तरीके से कि मतलब एहसान भी नहीं माना जाए कि कोई ऐसे समझेगी भाई हमारी ऐसे। लोग कहते हैं सर कि ये भामाशाह, ये भामाशाह, मैंने कहा नहीं हाँ मामा शाह बनने वाले मामा शाह, एक नया शब्द दे रहा हूँ। तो हमारा धनुष हम सब बच्चे के मामा है, भाई है। हाँ बिल्कुल जी। और वही तो हमारा जो परिवार था, किसी भी फोटो में हमने बेटी की फोटो नहीं ली, उनके पापा की फोटो नहीं ली। बिल्कुल जी, उसके बाद देने वाले अर्पित करने वाले नरसिंह भगत के अवतारों के लिए, और जो गिफ्ट आइटम दिए थोड़ा सा एक दो फोटो उसके लिए, बच्ची को मिल के आए इसके आंटी लोग, आशीर्वाद देखे, गले लगा के आए, बच्ची मेहंदी लगवा रही थी तो वही मिला लिफाफा में दिया कन्यादान का, परंतु वो नेपथ्य में है। सही भावना मतलब प्रमुख है। और आपके बारे में, मैम के बारे में तो बहुत सारे कमेंट आए थे लास्ट टाइम भी डाला था, बोले हम भी जानते हैं इनको, हम भी जानते हैं सर को। तो चलो हो गया, वो कहते ना अपने नसीब में नहीं था वहाँ पे बात वाले प्रोग्राम में जाना। प्रदीप जी तो रह गए, प्रदीप जी और निशा मैडम, रेणु मैडम को, रेणु मैडम को और प्रदीप जी को, दोनों हमारे यूट्यूबर है। हमने वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यदि यदि देखा नहीं तो नहीं नाचा, और इन्होंने दिखा दिया तो नाचा। सही बात है। सो माय डियर रेस्पेक्टेड विलेजर्स, रूरल एंड अर्बन दोनों, आप ही लोग हमें प्रेरित करते हो तब हम छोटे छोटे काम कर लेते। वो रेनो तो हमेशा यही कहती है कि सर को देख करके ऐसे नहीं लगता कि वो सर मतलब इस तरीके से, मतलब इस लाइन के है, वो इतने हंस मुख और बोले इतने मजाक करने वाले। धंधे से ये गायनी की है, मैं हूँ सर्जन, लेकिन हम सब मिलकर करते शब्दों का सृजन। सृजन और सर्जन एक कॉम्बिनेशन है। सही बात है। टेक्निकल आदमी कलम का सिपाही भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग दर्द को दूर करते हैं तो संवेदनशील भी होते हैं, हमारी थ्योरी यही है। चलो थैंक यू सर, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय डॉक्टर। आज का मौसम अगर आप देखोगे तो सच में बहुत ही कोहरा छाया हुआ यहाँ पर, क्योंकि सुबह कल तो एकदम पूरे दिन धूप थी, परसों बरसात आई थी, और आज सुबह सुबह ही मैं जा रहा हूँ कहीं गणेश पूजन करवाने के लिए। और अपने YouTube फैमिली से ही एक उनका कॉन्टेक्ट हुआ, मतलब बातचीत हुई थी हमारी, वो दिल्ली में रहते हैं और यहाँ पे चिड़ाव में उनका घर है, तो उनका गृह प्रवेश करवाने के लिए कल जाना है हमें, तो कल जाएंगे और आज अभी एक गणेश पूजन करवा के आते हैं। इसीलिए आज सुबह सुबह घर से ही व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि आजकल यार सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है। सुबह सुबह क्या मतलब, बिजी शेड्यूल चल रही है, सावे वगैरह चल रहे हैं, सीजन चल रहा है हमारा, दो पैसे की आमदनी है, तो अपन तो वैसे छोटा मोटे व्लॉग तो डालते रहते हैं, बाकी और बड़े बड़े अच्छे जो काम करते हुए जो डालेंगे वो बाद में डालते रहेंगे। तो अभी
चल करके करवा देते हैं गणेश पूजन। मेरा मावर जो है ना वो अखबार। गुड मॉर्निंग कर लियो कि नहीं मावर। राम 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 राम। हाँ तो चलो जी चलते हैं अभी। चलो जी अपन गणेश पूजा करवा करके आ गए हैं और अभी बन रहा है खाना। खाना खा लेते हैं। खाने में क्या कुछ है आपको ये देखो, सब्जी आलू गोभी मटर गाजर टमाटर इतनी मिक्स। और अपन ज्यादा खाते हैं आजकल ये चीजें, टमाटर गाजर हरी मिर्च और टमाटर इसके अंदर भी रखे हैं, दो जरूरत हुई तो और काट लेंगे। ज्यादा सलाद खाओ रोटी कम खाओ ऑटोमेटिक पेट कम हो जाएगा। तो आ जाओ। मोस्ट 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 वेलकम शिवांश। नहीं नहीं वो गेट बंद कर गया फटाफट। आपकी मम्मी कहाँ? सुन तो सुन, आपकी मम्मी कहाँ गई थी? मार्केट। और शिवांश को छोड़ गई है ना? शिवांश को मेरे को यही। हाँ वाह भाई वाह। आज मैं ले गया क्या निकला शिवांश? हाथ। कांग्रेस को हाथ। नैनी काम की भी ना निकले। नैनी की किस्मत ऐसी है। अरे नैनी क्या है इसमें? क्या है इसमें? क्या है? ओहो ये देखो, एक टेप उतारनी पड़ेगी। नैनी दिखा दे। दिखा बिना वो ऐसे ही दे दे। ये देखो जी नोटी बॉय। ये झालर मुझे ऐसे चाहिए। बावड़ी झालर ये देख ले जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाओ तुमने। बावड़ी झालर देख ली। देखो सेंस रुक जा रहे। अब मैं आप चलेगी स्कूटर नीचे चलाओ। ले ले चला क्या बैठा के चला क्या? मेरा गुट्ठा लाग रही है पलक आज। बैठा के फिर चलाना। हाथ हटा ले तो आपको टूटी हो बीच में। वाह भाई शिवांश वाह भाई शिवांश। डोल लेके आ डोल लेके आ। नहीं शिवांश डोल लेके आ। हाँ देख दिखाई दे गाने चल। कलर वो कर दिया इसने। कलर कलर वो था वो सेम वैसा कलर लेके आता। सेम ला रहे थे हम पर ये दिखता नहीं फिर वो बस। संस्थान चिरावा व्यासपीठ पर आसीन श्री राम की दासी महाराज का स्वागत करने जा रहा है। इस गरुड़ ध्वजाचार्य जी महाराज की पावन तपोस्थली और बाबा बावलिया की पावन तपोस्थली पर मैं आमंत्रित करता हूँ। तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर एल के शर्मा। गुरुदेव बिहारी दास जी महाराज उनका भी आश्रम चैतन्य संस्थान। आजकल हमने बिस्तर लगा लिए नीचे बेडरूम में, एक ये नैनी का और उधर श्रीमती जी का, और ये मेरा और शिवांश का है। और अभी अभी मैं आया हूँ
वहां से मंदिर में से, क्योंकि शाम को उधर गए थे, शाम को प्रोग्राम था, फिर कहीं चले गए थे, वेदी वगैरह बनाई थी, कल सुबह सुबह वहां पे गृह प्रवेश करवाना है। वो अपने यूट्यूब फैमिली से हैं, कल दिखाएंगे आपको। और अभी फिर वो अपने मंदिर में आकर के और संतों की सेवा में बैठ गए थे, थोड़ी देर उनके पास बैठे। हम संतों के पास बैठते हैं तो ये समझो अपने अहोभागी हैं कि वहां पे बैठे थे और उनकी कुछ ज्ञान की बातें सुन रहे थे। तो अभी खाना वाना हो गया है और अब सोते हैं। सिवन सबको गुड नाइट बोल दो, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।